और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यहां पर रक्षा मंत्री जम्मू स्थित मिलिट्री कमांडर्स से मुलाकात करेंगे और कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको बताते चलें कि फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा कर ऑपरेशन तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। साथ ही उनके साथ थल सेना प्रमुख भी रहेंगे और इस दौरान एक कार्यक्रम में देश के लिए मर मिटने वाले 2000 शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस के सरकार वहा दत्तोश्रय होसबले ने भी देश पर मर मिटने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात कही। और अब खबर है रायपुर से, जहां पर रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। एक अधिकारी ने बताया है कि दक्षिण बस्तर पर बीजापुर कई छोटी नदियों और जलाशयों में बाढ़ का पानी भर गया है और इसी वजह से प्रभावित हैं कई लोग और इस कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में चक्रवाती बारिश के मद्देनजर जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और नगर निगमों को सतर्क रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने उन्हें यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जल जमाव और बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी सभी उपाय किए जाएं। बयान में कहा गया है कि उड़ीसा पर एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण सरगुजा को छोड़कर राज्य के सभी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। और बहराइच में यूपी रोडवेज के इम्लायज यूनियन के शाखा मंत्री ने विभागीय कार्य को लेकर बाबू को फाइल दी, लेकिन यहां इस अधिकारी ने एआरएम के सामने ही फाइल को पटक दिया और इस फाइल पटकने को लेकर ही एक बवाल शुरू हो गया है। बता दें आपको कि यूनियन के लोगों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और शाखा मंत्री ने कहा कि अब जब तक इस बाबू का निलंबन नहीं होगा तब तक आंदोलन चलेगा, जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन को प्रांत स्तर तक भी ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि एआरएम ने बाबू को फाइल लेकर कार्य करने के लिए कहा, लेकिन इस पर शाखा मंत्री ने बाबू आशीष सिंह को प्रभारी एआरएम के सामने ही फाइल पटक दी और साथ ही साथ उस फाइल पर काम करने से भी इनकार कर दिया गया। इससे शाखा मंत्री समेत कई अन्य लोग नाराज हो गए और सभी ने इस सरकारी बाबू के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बवाल शुरू किया। प्रभारी एआरएम बीके तिवारी ने लोगों को समझाते हुए यह मामला शांत कराया है, लेकिन कर्मचारी संघ बाबू के निलंबन की लगातार मांग कर रहे हैं। हम लोग कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के सहायक क्षेत्र प्रबंधक के पास गए थे। अभी कल ही चार्ज उन्होंने लिया है प्रभारी एआरएम के रूप में। तो हम ड्यूटी पर थे, आज सुबह आए तो कई कर्मचारियों की जो है समस्याएं थी, तो हम लोगों ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। अपने ऑफिस में हम लोग बैठक किए, सबकी यही मांग थी चलिए एआरएम साहब से बात करके समस्याओं का समाधान किया जाए। हम लोग कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के और करते एक बड़ी खबर की ओर, बिजनौर से खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि डीएम और एसपी ने बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया है। तस्वीरें भी आपको दिखाते चलें कि यहां पर बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया जा रहा है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। डीएम और एसपी ने मिलकर बाढ़ ग्रसित इन इलाकों का ये दौरा किया है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से गंगा कटान कर रही है जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। किसानों की लहलहाती फसलें गंगा की आगोश में समा रही है। बताया जा रहा है कि गंगा किनारे लगे अस्थाई स्टड्स पानी के तेज बहाव में डूबते जा रहे हैं और डीएम ने इस दौरान बाढ़ से बचने के लिए ग्रामीणों को अहम टिप्स भी दिए हैं। थाना नांगल सोती के गोसपुर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर निरीक्षण करने के लिए और हालातों का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी तमाम पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं। इस बीच किसानों से और लोगों से भी बातचीत की गई और उन्हें जरूरी टिप्स दिए गए हैं, अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि वो बाढ़ जैसे हालातों में या गंगा का कटान जिस तरीके से जारी है उससे अपने खेतों को और अपने घरों को सुरक्षित रख सके। आपको बता दें कि गंगा इस वक्त लगातार बढ़ती जा रही है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है गंगा में क्योंकि बारिश हो रही है और इसी कारण अब नदियों ने भी कटान करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा लेने के लिए खुद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। इस दौरान किसानों से भी बातचीत की गई और उन्हें जरूरी टिप्स दिए गए हैं। थाना नांगला सोती के गोसपुर इलाके का पूरा मामला है।